सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? चलिए बच्चों, हिंदी के तास में इसके पहले के तास में हमने पढ़ा था अण। कौन सा वर्ण पढ़ा था? अण, जो कि वह अक्षर क्या होता है? खाली होता है। चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं वर्ण त। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर दिखाऊंगी जो त से शुरू होते हैं। अरे वाह बच्चों, यह कौन सा चित्र आ गया? तो फिर तोता, बहुत अच्छे। फिर है तारे, ताला, तरबूज, टांगा, तालाब, तेल, तबला, तलवार, तारीख, तराजू, तितली, तवा, ताली, तौलिया, तीर और तैरना। देखा ना बच्चों, आपने कितने सारे त से बनते हुए शब्द देखे हैं और चित्र भी देखे। तो चलिए अब पाठ्य पुस्तक आपकी निकालिए बच्चों। तो बच्चों, हमने देखे थे त वर्ण से बनते हुए चित्र और शब्द। चलिए अब आपकी पाठ्य पुस्तक निकालिए और उस पर है पन्ना नंबर 46, यह निकालिए और आज की दिनांक लिखिए बच्चों। चलिए दिनांक लिखने के बाद देखिए कहां है आपको तर्जनी से अक्षर को स्पर्श करके याद करो। यह है त, बहुत ही सरल है। अब यह चित्र देखिए, तितलियां फूलों पर बैठती है, तो ये सब क्या बताई है? तितलियां। और तितलियां में जो वर्ण है वह है त, है ना बच्चों? चलिए अब देखिए, जो चित्र त से शुरू होते हैं उन्हें त अक्षर से मिलाओ, चित्र में रंग भरो तथा बिंदुओं को जोड़कर त को पूरा करो। चलिए बच्चों, पहले हम चित्र देखते हैं। यह है चित्र। अब त से बनने वाले जो शुरू होते उन्हें मिलाना है हमें त से, त के साथ। चलिए, यह क्या है? संगीत का वाद्य, मतलब तबला। क्या है यह? तबला। तो इसमें ये वर्ण है वह क्या है? पहला वर्ण त। तो चलिए इसे हम मिलाते हैं त के साथ, ठीक है बच्चों? अब उसके नीचे का चित्र देखिए, क्या है यह? तारे। क्या है यह? तारे। अब तारे शब्द में पहला वर्ण क्या है? त, है ना बच्चों? तो चलिए उसे मिलाएंगे त के साथ। यहाँ देखिए बच्चों, यह है तकिया, जो हम गद्दे पर रखकर उस पर सोते हैं। तो पहला वर्ण है त। कौन सा है बच्चों? त। तो इसे मिलाएंगे हम यहाँ पर। अब ये जो हमने चित्र तो देखा ही था, तो यह क्या है? तितली। सही। तो पहला वर्ण त, त से तितली। तो यह हो गया त वर्ण से तितली। तो बच्चों, यह हमने चित्रों के साथ त को जोड़ दिया। अब त लिखेंगे कैसे? चलिए यहाँ पर है, सबसे पहले हम बनाएंगे शिरोरेखा, मतलब स्लिपिंग लाइन। अब हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से खींचकर इस तरह से बना देंगे। यह हो गया त। चलिए प्रश्न क्या पूछा है? तितलियां फूलों पर क्यों बैठती हैं? क्योंकि उन्हें फूलों की खुशबू पसंद होती है। अब तितलियां कैसी होती है? देखो बच्चों, कैसी होती है तितलियां? रंग बिरंगी। हाँ, चलिए अब अभ्यास की ओर देखिए। इस अक्षर को लिखो तथा याद करो।
तो बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में उसके सामने का पन्ना देखिए, यहाँ पर बनानी है पहले स्लिपिंग लाइन, फिर हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और उसके साथ खींच देंगे एक स्टैंडिंग लाइन। एक और बार, पहले स्लिपिंग लाइन, यहाँ से हम आएंगे और यहाँ मुड़ेंगे, उसके साथ जोड़ देंगे एक स्टैंडिंग लाइन। एक और बार, यहाँ से लेकर इस तरह आए और उसे जोड़ दिया स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से आपको यह कंप्लीट करना है। अब देखिए, जो शब्द त से शुरू होता है उस पर चौकोर बनाओ, मतलब स्क्वायर बनाना है। तो चलिए, यह है जो हमने पहले बताया था ना चित्र, आपको सही पहचाना, पक्षी है तोता, तो यह त से शुरू होता है, सही। तो इसे हम चौकोर के रूप में बनाएंगे। अब यह क्या है, कलम, क ल म, जो त से शुरू नहीं होता। यह है चाबी, चाबी, यह भी त से शुरू नहीं होता। अब यह क्या है बच्चों, ताला, सही पहचाना, ताला। तो इस पर क्या बनाएंगे, हम चौकोर बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कविता है जो मैं आपको सुना रही हूँ, तितली की कविता। तितली प्यारी प्यारी, फूलों से भी न्यारी, बच्चों की सहेली है, एक रंगीन पहेली है, हर बगीचे की शान है, खुशहाली की पहचान है। है ना बच्चों, तो तितली के बारे में बहुत ही अच्छी कविता है। तितली किसकी सहेली है, प्रश्न है, तो बच्चों की सहेली है। तितली किसकी पहचान है, तितली खुशहाली की पहचान है। तो चलिए बच्चों, आज का यह कार्य आप यह पाठ इस पाठ्य पुस्तक में पूर्ण करेंगे। अब उसके साथ साथ आपकी नोटबुक भी निकालिए। नोटबुक में हम लिखेंगे पहले दिनांक। चलिए, अब हम कौन सा वर्ण हमने पढ़ा है, तो यहां सबसे ऊपर लिखेंगे वर्ण त। कौन सा वर्ण है, त। चलिए बच्चों, यह पहली लाइन छोड़ दीजिए जो हम करते आए हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन को छोड़ दीजिए। तीसरी लाइन में देखिए, हमने सीखा था इस तरह से नीचे ले जाकर ऊपर पढ़ेंगे और उसे जोड़ेंगे और बनाएंगे उसके साथ स्टैंडिंग लाइन। तो पहले तो बच्चों हम स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, भूल गई मैं, फिर हम करेंगे यहाँ नीचे मुड़ेंगे, उसको यहाँ पर और एक बार मोड़ेंगे, साथ में करेंगे स्टैंडिंग लाइन। यह हो गया त। एक और बार बच्चों, स्लिपिंग लाइन, यहाँ से मोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, यह हो गया त। पहली ये एक और लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन को छोड़कर यहाँ पर अब हम वापस लिखेंगे, यह हो गया त। एक और बार, ये ले जाकर नीचे, और एक स्लिपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, यह हो गया त वर्ण पूर्ण। इस तरह से बच्चों आपको एक लाइन में तीन बार वर्ण लिखना है और इसी तरह से नोटबुक में आपको यह कार्य पूर्ण करना है। तो चलिए बच्चों, फटाफट लिख लीजिएगा। अगले वर्ण में अगले तास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।